गाइस, दुनिया में जितना भी इम्पोर्टेंट एंड ड्रीम्स प्रोफेशंस है उनमें से वन ऑफ द ड्रीम प्रोफेशन है दोस्तों एयरलाइंस जॉब। और एयरलाइंस में जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को आसमान में रहने वाले लोग बोला जाता है। तो एयरलाइंस का जॉब वन ऑफ द बेस्ट ग्लैमरस जॉब बोला जाता है। और दुनिया में बहुत सारी एयरलाइंस है और बहुत सारे दोस्त लोग ऑलरेडी एयरलाइंस इंडस्ट्री में जॉब करते हो। तो मेरे जो दोस्त लोग अपनी कंट्री में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में एयरलाइंस में जॉब करते हो, जॉब करने के लिए सोचते हो, ऐसे बहुत सारे दोस्त लोग है जो एयरलाइंस में जॉब करने का सपना देखते हो, वो सारे दोस्तों के लिए ये वीडियोज है। तो वीडियोज को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए। सो गाइस, एयरलाइंस में अगर आप जॉब करना चाहते हो आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, दुबई एंड यूएई के अंदर एयरलाइंस जॉब में क्या स्कोप है, इसमें क्या सैलरीज है, क्या क्या बेनिफिट्स है, ये सारी डिटेल्स इस वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एयरलाइंस में जॉब बोलने के बाद ही हमारे दिमाग में दो ही प्रोफेशन आता है, एक तो पायलट एंड दूसरा एयर होस्टेस। और हम लोग सोचते हैं कि एयरलाइंस में बस पायलट एंड फीमेल एयर होस्टेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक मिसकॉन्सेप्ट है। पायलट्स, केबिन क्रू, एयर होस्टेस सब ओनली नहीं है दोस्तों। एयरपोर्ट में बहुत सारे स्टाफ की जरूरत होती है, ग्राउंड स्टाफ। आपको याद होगा जब भी आप एयरपोर्ट में जाते हो तो आपको बोर्डिंग के लिए या फिर आपको असिस्ट करने के लिए जो भी होता है वो ग्राउंड स्टाफ होता है। उसके साथ आपका टिकट काउंटर्स में होता है, हम लोग टिकट बुक करते हैं एयरलाइंस के। उसके बाद कुछ भी क्वेरीज होता है, क्वेश्चंस होता है, तो हम लोग कस्टमर सर्विस में कॉल करते हैं। तो इस तरह के ग्राउंड स्टाफ, कस्टमर सर्विस, बैक ऑफिस, बहुत सारे सपोर्टिव टेक्नीशियंस, इस तरह की बहुत सारे प्रोफेशंस होता है दोस्तों एयरलाइंस में, जो आप अपनी कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से ले सकते हो दोस्तों। सो गाइज, अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से एयरपोर्ट मैनेजमेंट या एयर होस्टेस या पायलट तरह से कोई भी ट्रेनिंग, डिप्लोमा, डिग्री किया, उसके बाद आप अपने देश में कोई भी डोमेस्टिक एयरलाइंस के साथ कोई भी प्रोफेशंस में आपने 1 साल या 2 साल एक्सपीरियंस लिया, चाहे वो आप एयर होस्टेस हो, केबिन क्रू हो, ग्राउंड स्टाफ हो, कस्टमर सर्विस हो, कार्गो असिस्टेंट हो, अगर आपने किसी भी पोस्ट में काम किया तो आप डेफिनेटली दुबई एंड यूएई के अंदर एयरलाइंस इंडस्ट्री में जॉब कर सकते दोस्तों। और एंड दुबई एंड यूएई में एमिरेट्स एयरलाइंस, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे साल में ह्यूज रिक्रूटमेंट्स होते हैं। साथ ही साथ फ्लाई दुबई एयर अरेबिया, गल्फ एयर, दिस काइंड ऑफ बहुत सारी एयरलाइंस का ऑफिस है दुबई एंड यूएई के अंदर। तो अगर आप कोई भी एयरलाइंस में जॉब करना चाहते हो, इंडिगो, इतिहाद, इस तरह दिस काइंड ऑफ कोई भी एयरलाइंस आप जॉब करना चाहते हो जिसके ऑफिस दुबई एंड यूएई के अंदर है, तो आप डेफिनेटली वो सारी कंपनीज का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप डायरेक्टली करियर सेक्शन में आप अपना मेल ड्रॉप कर सकते हो। आप आपकी पोर्टफोलियो, आपका आपका सीवी, आपका डॉक्यूमेंट सेंड करके आप डेफिनेटली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो दोस्तों। लेकिन जो दोस्त लोगों के पास एयरलाइंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, लेकिन आप लोग एडुकेटेड हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे है, फिजिकल अपीयरेंस अच्छे है, तो आप डेफिनेटली जो वॉक इन होता है दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है, जहाँ पे आपको वॉक इन पे आके इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन अटेंड करना पड़ता है। उसके बाद कंपनी आपको प्रोवाइड करवाता है वह सारा ट्रेनिंग, उसके बाद आपको प्लेसमेंट करवाता है। तो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हो, कोई भी एयरलाइंस में एज अ फ्रेशर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करके। अगर आपने प्लस टू कंप्लीट किया, आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई प्रोफेशनल डिग्रीज एंड एक्सपीरियंस के बिना भी आप एयरलाइंस में जॉब कर सकते हो दोस्तों। इसका भी अपॉर्चुनिटीज ये सारी एयरलाइंस प्रोवाइड करवाता है न्यू कमर के लिए। सो दोस्तों, इसके बाद सवाल आता है कि यूएई एंड दुबई में एयरलाइंस में जो लोग जॉब करते हैं उनको, वो लोगों को क्या सैलरी पैकेजेस मिलता है, क्या और क्या फैसिलिटीज मिलते हैं। तो दोस्तों, ये सैलरी कम्प्लीटली आपका क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि अगर आप पायलट हो, अगर आप एयर होस्टेस हो, अगर आप ग्राउंड स्टाफ हो, अगर आप केबिन क्रू हो, तो आप कितने घंटा का फ्लाई करने का एक्सपीरियंस है, कितना साल का एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, उस पर आपका सैलरी डिपेंड होता है। तो ये डिपेंड अप टू योर स्किल एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। लेकिन फिर भी कोई भी अगर स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट करता है तो आपको मिनिमम 6 से 7 थाउजेंड दिरहम सैलरी मिल जाएंगे, और कंपनी का accommodations, फूड और जितना भी allowances है वो भी आपको मिल जाएंगे, जो एक ह्यूज अमाउंट होता है दोस्तों। तो एयरलाइंस करियर के लिए बहुत गुड ऑप्शन है दुबई एंड यूएई, क्योंकि दुबई एंड यूएई का एयरपोर्ट एक ऐसे एयरपोर्ट है जहाँ पे दुनिया की हर देश का फ्लाइट होता है, सबसे ज्यादा जो फ्लाइट कनेक्ट होता है दुबई एंड अबू धाबी से। तो इस वजह से यहाँ पे एयरलाइंस का जॉब भी बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है। सो दोस्तों, अगर आप एयरलाइंस का जॉब अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको
हर एक एयरलाइंस का लिस्ट बनाना होगा और उस एयरलाइंस में आपको अपना प्रोफाइल बनाना होगा, रजिस्ट्रेशन करके यूजर नेम एंड पासवर्ड बना के आप उस एयरलाइंस की वेबसाइट में लॉगिन कीजिए। वहाँ पे करियर सेक्शन एंड करंट ओपनिंग्स का जितना भी अपडेट्स आते हैं उसको फॉलो कीजिए, कंपनी को मेल कीजिए एंड जो भी वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं उसको अटेंड कीजिए। डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएंगे अगर आप में वो कैपेबिलिटीज है। और अगर आप दुबई एंड यूएई में अभी फिजिकली प्रेजेंट हो तो कोई भी एयरलाइंस में अगर आप जॉब करना चाहते हो उसका जो भी ऑफिस यूएई में या दुबई में है उस ऑफिस में अगर पॉसिबल है तो फिजिकली विजिट कीजिए, क्योंकि अगर आपको एयरलाइंस में जॉब करने का एक्सपीरियंस है, आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, प्रोफेशनल स्किल है तो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपको जो फ्रेशर्स के लिए जो वॉक-इन इंटरव्यूज निकलते हैं, जो जॉब फेयर निकलते हैं, आप उसको अटेंड करना पड़ेगा, तब जाके आपको एज अ फ्रेशर्स भी दुबई के अंदर जॉब मिल सकता है। दोस्तों एयरलाइंस जॉब में हर एक प्रोफेशन का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है जिसमें एज, लुक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अलग अलग करके डिफाइन किया जाता है, तो वो आपका पोस्ट के हिसाब से डिपेंड होता है, तो वो आपको एयरलाइंस की वेबसाइट से पता चल जाएगा। जब भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलेगा वहां पे भी वो क्लियरली मेंशन होता है कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो गाइज, अगर आप एयरलाइंस जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हो और आप सपना देखते हो कि आसमान में उड़ान भरने का, तो आपको अपना टारगेट में दुबई डेफिनेटली रखना चाहिए, क्योंकि दुबई में अगर कोई भी एयरलाइंस में आपको जॉब मिलता है तो आप दुनिया की कोई भी कंट्री घूम सकते हो एज अ केबिन क्रू। और अगर आप एयरपोर्ट या फिर ग्राउंड स्टाफ में जॉब करते हो तो भी दुबई यूएई का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर का लोग आते हैं, आप दुनिया भर कि लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, कल्चरल कॉम्बिनेशन कर सकते हो और आप अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस कर सकते हो वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेवल करने के लिए। सो गाइज, आज की वीडियोस में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे कोई वीडियोस में दूसरे कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।